उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। अभी आपने जो बयान सुना वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस के मौके पर दिए थे, जिसके समर्थन में मंगलवार चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने पीएको के लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और हम सरकार के आदेशों पर किसी भी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल एसडीएस औजला ने रक्षा मंत्री के बयान पर श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार इस तरीके का फैसला करेगी हमारे पास आदेश आएंगे और ऐसे में हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अपनी पारंपरिक ताकत के अलावा हम खुद को आधुनिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं ताकि हमें ऐसी स्थिति में पीछे मुड़कर न देखना पड़े। आर्मी की पूरी तैयारी, मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन दिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे। तो जब इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिलके जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर, और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं।